जालों में कोई नशा है तेरी आंखों के प्यालों में, तू मेरे ख्वाबों में जवाबों में सवालों में, हर दिन चुरा तुम्हें मैं लाता हूँ ख्यालों में, क्या मुझे प्यार दोस्तों। काफ़ी लंबे सफ़र के बाद हम लोग अभी मिर्ज़ापुर के चुनार के लाल किला में आए हैं। तो पीछे आप लोग देख सकते हैं, जो पीछे भी दिख रहा है ये जेल है, और ये पीछे जेल है, और इधर ये शादी होता था, इसमें ये मंडक है, सोने का मंडक बोलते थे इसको, बट अभी इसमें कोई सेवा नहीं बचा है। तो इतने लंबे सफ़र के बाद तो हम लोग अभी थक गए हैं, तो थोड़ा आराम की ज़रूरत है, तो अभी रेस्ट करने के लिए भी टाइम नहीं, अभी दो तीन जगह जाना है, तो देखते हैं। अभी टाइम भी काफ़ी कम बचा है, अभी 4 बजे के लगभग टाइम हो चुका है। अभी सारे कॉलेज के ग्रुप उधर ही बैठे हुए हैं, सब थक गए हैं काफ़ी, और हम भी काफ़ी थक गए हैं। तो अभी आपको किला दिखाते हैं, किला में क्या क्या चीज़ है क्या नहीं है, आप लोग को सब आगे ब्लॉग में दिखाते रहेंगे, बस वीडियो में बने रहें। जो नेपाल के राजा स्वामी राजा थे, उसकी लड़की रानी सुनमा की शादी नहीं बनवाए थे, लेकिन लेकिन इस मंडप में रानी की शादी नहीं हुआ था। तो आलाप घटना सुनो, जो मैयन भाई की पुजारी थे, इस मंडप में आए 52,000 को उठाने के बाद यहाँ से रानी सुनमा को जीत कर लेकर चले गए, जो इसको कुआरा मंडप बोलते हैं, अनमय राजा, इस मंडप में शादी नहीं हो पाए। और इस दीवार पर जितने नकाशी भी डिजाइन बनाए गए हैं, ये सभी पहले डायमंड लगे हुए थे, हीरा मोती पहले लाइट के बच्चे न होने पर प्रकाश करता था, जगह बेटी के साथ चला तो लोग निकाल दिए। टोटल सोने का मंडप है, इसका नाम सुरमा मंडप। कुआं के पास चलो दिखाते हैं, कुआं कितना डेंजर था, नीचे नहीं जाने देंगे। अरे नीचे उतरने का देखा था भाई, अरे वहाँ से काफी बड़ा कुआं है, अरे उधर से नहीं है। तो देख सकते हैं आप लोग ये कितना डेंजर कुआं है, कैमरे में पूरा उसका व्यू नहीं आ रहा। रास्ता बना हुआ था, जो उस रास्ते से जाकर रानी नीचे में स्नान करती है, इस पर पहले राज दरबार लगता था, जो शेरशाह सूरी जो था उसका कोर्ट कचहरी राज दरबार इसी जगह लगता था, और जो शेरशाह सूरी की पत्नी जो थी रानी झांकना बेगम, उस खिड़की पर बैठ कर फैसला सुनाती थी, क्योंकि पहले औरतों का फैसला राजा नहीं सुना पाता था, इसलिए वहाँ शेरशाह सूरी की पत्नी सुनाती थी, और यहाँ राज दरबार लगता था, कोर्ट कचहरी राज दरबार। वही पहले फांसी घर था, जो मुगल पीरियड में गला काटा जाता था, और ब्रिटिश शासन में वहाँ काला कपड़ा पहना कर रस्सी से फांसी देते थे, जो नीचे घर बना हुआ है। और यहाँ जो आप लोग यहाँ पर फकीर दुआएं अल्लाह, यार दी सूरत माशाल्लाह, रीत न जानू रिवाज न मानू, मैं ते ठहरा सादा बंदा बेचारा, दिल मेरा मेरा दिल तुझको ही ढूंढता रहता है, आवारा 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 दिल मेरा।
तुझको ही ढूंढता रहता है। तो हम लोग आ चुके हैं किले के एकदम फाइनल जगह पे। तो देख सकते हैं आप पीछे गंगा रिवर है और कितनी अच्छा लग रहा है यहाँ से देखने में। पीछे उस पे से एक ब्रिज भी है जाने के लिए, क्रॉस करने के लिए। उधर अपना के बच्चे पे उधर ही आप देख सकते हैं पीछे, इधर जेल है, ये पहले सब कैदियों को रखा गया था बट अभी नहीं है, सब खत्म हो चुका है। इधर पहले से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर बंद हो चुकी है और काफ़ी चीज़ें चालू हैं, बट अभी भी किले में घूमने लायक जगह बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा लगा हम लोग को यहाँ घूम पे। नीरज, आपको कैसा लगा ये किला? मुझे भाई बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं 3 बार आ चुका हूँ लेकिन इतनी जानकारी नहीं मिली थी जितने की। हाँ, ये तो है कि इस बार हम इस बार आए किले में तो कुछ ज़्यादा अच्छी जगह हम लोग को देखने, कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी जगह देखने के लिए। क्योंकि कॉलेज की तरफ से आए थे तो वो जो जेल वेल था उसमें फ़ोटो लेना अलाउड नहीं था, नहीं तो आप लोग को दिखाते बट उसमें, इसलिए उसमें मतलब फ़ोन से कोई फ़ोटो लेना ही अलाउड ही नहीं था, इसलिए उसका रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए बट क्या करें। चलिए सर, तो इसलिए उसका वीडियो नहीं दिखा पा रहे बट तो आप लोग को बाहर से दिखाया, वो दिखाया था ना जो जेल था वही था। तो हमारे क्लास के लोग बंदे काफ़ी आगे जा चुके हैं तो हम लोग चलते हैं। अकेले में तो काफ़ी अच्छा लगा, देखते हैं अभी टाइम तो नहीं ज़्यादा बचा है, 5 बज रहा है तो घर चलते हैं। अभी घर से कॉलेज से घर जाना है, 1 घंटे तो रास्ते में ही लगेंगे तो देखते हैं अभी किधर लेके सर चलते हैं। चल मिर्जापुर की नगरी में, यहाँ पे माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करके हम लोग का घर रिटर्न है। हमारी टीम पीछे सर आ रहे हैं, मेरे अपना ब्लॉगिंग चालू रखा है, दिन भर के थकान से हम लोग थक चुके हैं और बस यही विंध्यवासिनी माँ का दर्शन करके उनके चरणों का आशीर्वाद लेके हम लोग घर रिटर्न हो जाएंगे। तेरी लगन में मगन में नाचूं गाऊं तेरा जगराता, मैं बालक तू माता शेरा वालिये, है टूटिए नाता शेरा वालिये हो, मैं बालक तू माता शेरा वालिये, है टूटिए नाता शेरा वालिये, शेरा वालिये तो हम लोग रेडी हो चुके हैं दर्शन करने के लिए, आरती का सामान भी ले चुके हैं, बाकी सब लोग ले रहे हैं, सब लेके रेडी हो चुके हैं, बस लेके मंदिर में एंट्री लेने वाले, ये पीछे मंदिर है, बस एंट्री लेने के बाद ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम लोग चल दिए हैं, हम नीरज तैयार हो चुके हैं। ऊंचा है भवन ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी, चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी, हे काल
रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। जैसे धारा और नदियाँ, जैसे फूल और बगियाँ, मेरे इतना ज्यादा पास है तू, जब न होगा तेरा चल मैं न मेरे होंगे जल थल, जाएंगे कहाँ पे मेरे आंसू, दुख दूर हुआ मेरा सारा, अंधियारों में चमका तारा नाम ते। संकल्प आ चुके हैं अब निकलने वाले घर के लिए। बहुत अच्छा लगा ये टूर घूम के हम लोग को, बहुत मजा आया, बहुत नई नई जगह देखने को मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। अब आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं। आज दिन का दिन भर पूरा ट्रैवल किए यहाँ वहाँ, बट बहुत अच्छा लगा, आज का दिन याद करेंगे हमेशा। तो अगर भाई लोग अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अब मिलते हैं फिर कभी कोई न्यू ब्लॉग। तेरे मंदिरों में माई मैंने ज्योत क्या जलाई, हो गया मेरे घर में उजाला, क्या बताऊं तेरी माया जब कभी मैं लड़